बिलाल खान। बिलाल लुक सामने रहेगा। बिलाल जी, बात करें एज ए डायरेक्टर आप इस फिल्म में है, किस तरह की मूवी है और किस तरह का इसकी स्टोरी लाइन है? ये बड़ी अच्छी कहानी है जो आजकल नहीं फिल्मों में दिखाया जाता है। हम पूरी हमारी कहानी एक बच्चे के ऊपर है। इससे पहले जितेंद्र साहब की औलाद आई थी बबीता के साथ, फिर दूसरी औलाद आई श्रीदेवी जयपर्दा के साथ, तीसरी औलाद मैं बनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक अनाथ आश्रम से शुरू होती है और एंड में पूरी पिक्चर तो हमारी रोमांटिक है, लेकिन एक अनाथ आश्रम से मैं ये कहानी लेके चला हूँ। उसमें हमारे कमाल हमारे भाई हैं, ये भी कर रहे हैं। देखा, मजबूरी है ये मजबूरी है तुम्हारी। नहीं नहीं, गलत करते हो। हाँ जी, एक हमारे भाई हैं, ये भी इसमें लीड कर रहे हैं। ये सफ़ी खान हैं, ये कर रहे हैं। एक लीड वो दिनेश कर रहा है। ये हमारे फिल्म के तीनों घोड़े हैं। किस तरह किरदार है सर आपका इसमें? वैसे अभी तक मुझे पता नहीं है कुछ, ना मैंने भी कहानी सुनी, बट ये कि टाइटल से फिल्म अच्छी है। औलाद एक फैमिली ड्रामा है और एक अंडरस्टूड है कि औलाद है तो उसके क्या बेस होगा आप लोग समझ सकते हैं। बाकी होपफुली फिल्म अच्छी होगी और बिलाल भाई डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मुश्ताक जी प्रोड्यूसर हैं और उम्मीद है काफ़ी अच्छी फिल्म बनने की। इंशाल्लाह देखते हैं। क्या कहना है, आपका नाम? समायरा। समायरा, आपका किस तरह किरदार है मूवी में? मैं एज इन लीड रोल प्ले कर रही हूँ, तो आई होप कि मैं लोगों के सामने कुछ। आइए आइए भाई, आ जाइए आ जाइए आ जाइए भाई। तुम बदतमीजी करते हो हमेशा तुम। मैं इस मूवी में एज इन लीड रोल प्ले कर रही हूँ और मेरा ऐसा है कि मैं लोगों के सामने एक अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही हूँ, एज ए नेगेटिव रोल प्ले कर रही हूँ। बट आई होप मैं जो भी करूँ लोगों को पसंद आए और अपनी तरफ से मैं 100% देने की कोशिश करूँगी। आपकी प्रोफाइल की बात करें, क्या क्या काम किया आपने अभी तक? मैंने इससे पहले एक और मूवी की है एज एन लीड और उससे पहले मैंने दो शॉर्ट मूवीज़ की है और ये मेरी सेकेंड मूवी है एज एन लीड। अली भाई, क्या कहना चाहेंगे, जो फिल्म है काफ़ी 90 के दशक में ऐसी फिल्में बनती थी, दोबारा दौर आ गया है काम के बाद, आप लोगों ने हमेशा मुझे सराहा। बिलाल भाई डायरेक्टर हैं, मुश्ताक भाई प्रोड्यूसर हैं और फिल्म का नाम औलाद है, जैसा कि आपने सुना। मैं हीरो के फादर का रोल इसमें प्ले कर रहा हूँ और हमारी पूरी टीम है यहाँ पे। जी जी, सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा और बस ये कि जल्द से जल्द ये फिल्म शुरू हो जाए ऐसी दुआ करता हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है, मुहूर्त में शामिल होने आया। कमाल देखिए, अपना कमाल दिखाए। इसमें मैं अभी एक एज अ लीड कर रहा हूँ, अभी सर बताएंगे। मतलब स्टोरी भी बताई है, स्टोरी तो मुझे अच्छी लगी। तीन जोड़ों की कहानी है, तीन प्रेम। हाँ, तीन जोड़ों की है। आई थिंक ट्रायंगल लव। इससे पहले क्या क्या कर चुके? इससे पहले मैंने एक मराठी मूवी की है पिंटाची लव स्टोरी, वो अभी सितंबर में रिलीज होगी, उसमें भी एज अ लीड किया है। और एक मूवी कर रहा हूँ मैं मुंबई सेंट्रल, वो भी जून में रिलीज होगी। उसके पहले मैंने एक मराठी सीरियल किया था कंटिन्यूटी में, लगोरी मैत्री रिटर्न। और मैं अभी फिलहाल crazyshop.in जो प्रिंट शूट का एक कंपनी है उनका एज अ एम्बेसडर कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे प्रिंट शूट्स के फोटो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट, इन सब पे है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये बाजीगर का सीन मुझे लग रहा है, लेकिन मेरा जो पहला प्यार है वो कैमरों से है और ये मीडिया वालों से है, क्योंकि अगर कैमरे का प्यार और इन लोगों का प्यार नहीं मिले तो कोई भी इंसान जीरो से हीरो नहीं बन सकता। मैं बहुत जीरो से काम करता चला आ रहा हूँ और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं आज काम कर रहा हूँ, फिल्में कर रहा हूँ और सब आप सबका प्यार इतना मिलता है, आशीर्वाद मिलता है और बड़ी सी फिल्म करने जा रहा है। बड़े गर्व की बात है कि ये औलाद फिल्म जो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में लगान फिल्म आई थी, मदर इंडिया आई थी, उस तरह की फिल्में आपने सबने देखी होंगी, ये भी एक उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, नए ज़माने का, नए चलन का। दो लड़के हैं, क्या क्या इनके इंट्रोड्यूस कराएंगे आप? दो लड़कियां तो हमेशा हर लड़की खूबसूरत होती है और रियली दे आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। पूछ लेते हैं, हाँ, आपका नाम? माई नेम इज़ जसप्रीत कौर प्रूथी। जसप्रीत जी, बात करें, क्या कहना है, इस फिल्म में किस तरह किरदार है आपका? आई एम प्लेइंग लीड एक्ट्रेस, इसमें लीड एक्ट्रेस का काम कर रहे हैं हम। आप बड़े सौभाग्यशाली हो गए कि कमाल के साथ आपको काम करने का मौका मिला। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन मैं क्या है, मैं अभी रोकना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। ये
तुम्हारी सोच है कि मैं उड़ रहा हूँ और मेरी सोच है ये उड़ान बड़ी कम है, तो ये जो उड़ान है ना जो ये अभी ये बड़ा कम मुझे लगता है। ये सब क्या है, जैसे एक कप चाय पीते हैं ना, मेरी सुबह की चाय है ये, लेकिन मेरी सोच ऑस्कर की है। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरी फिल्म दिल्ली बस जो निर्भया कांड पर आधारित है वो कान फिल्म फेस्टिवल में गई है। वो वर्ल्ड की हिंदुस्तान की बहुत कम फिल्में हैं जो कान फेस्टिवल में जाती हैं। ये मेरे के लोगों ने उस फिल्म को देखा और अप्रिशिएट किया। ये भी एक अलग जोनर की फिल्म है और इंशाल्लाह ताला ये फिल्म आप लोगों के सामने आएगी और ज़रूर आप अप्रिशिएट करेंगे पवन जी। और मेरा कहना यह है कि आपका जो ये चैनल है आपका किस तरह किरदार है, बात करें। सी अभी तक तो आई वुड लाइक टू कीप इट एज अ सीक्रेट, सो इट वुड बी बेटर कि जब जैसे जैसे हमारी मूवी आगे बढ़े लोगों को उसके बारे में पता चले, सो उसमें और एक एंथुजियाज्म रहेगा कि आगे क्या होना है। सो आई थिंक कि थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करना अच्छा होगा ताकि लोगों को और एंथुजियाज्म होए, मुहूर्त पे ओपन हो जाएगा। सो मुहूर्त पे थोड़ा और आपको हमारे बारे में पता चलेगा एंड लेट्स सी, गॉड ब्लेस, इट शुड बी अ ग्रेट सक्सेस एंड भगवान करे कि हम सुपर हिट दे। सो लेट्स सी, इट्स जस्ट अ स्टार्ट एंड विद एवरीवन इन द टीम आई फील द टीम इज गुड एंड दे आर हार्ड वर्किंग। तो चलो इट्स जस्ट अ स्टार्ट ऑफ। आपके पैरेलल में क्या कहना चाहेंगे, तीन तीन जोड़ियां हैं इसमें, हम सब अपना बेस्ट देंगे और बस बेस्ट की उम्मीद रखेंगे। बहुत खूबसूरत गाना रिकॉर्ड किया है, वैसे तो ये थोड़ा सा इंडियन है बट स्पाइसी इंडियन इसको कह सकते हैं, बहुत खूबसूरत गाना है। और रफ़ीक राजा जिनका पहली बार उनके साथ मैं काम कर रही हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आया रिकॉर्ड करते वक्त, ही वॉज ऑल द टाइम अप्रिशिएटिंग मी कि बहुत आपकी आवाज़ अच्छी है, आप बहुत अच्छा गा रहे हो। सो एक सिंगर को वही ज़रूरी होता है कि जब तक उसको एक ट्यून नहीं जम जाए गाने के साथ तब तक थोड़ा सा एक टेंशन भी होता है बिकॉज पहली बार काम कर रहे होते। तो बहुत मज़ा आया आज इनके साथ काम करके। साहिल फतेहपुरी जिनका लिखा हुआ है गाना, बहुत सारे इंडियन स्पाइसेस को अलग अलग स्पाइसेस को मिला के ये नया आइटम सॉन्ग कह सकते हैं जो मैंने गाया है। हालांकि मैं बहुत इंडियन सॉन्ग्स लाइक रोमांटिक सॉन्ग्स प्रेफर करती हूँ बट ये बहुत कम गाने का मौका मिलता है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस फिल्म। थैंक यू सो मच। इसमें दो दो तीन चार गानों का मिश्रण है, नाम लिया गया क्या? जी जी जी, इसमें जलेबी बाई, मुन्नी बाई, शीला, सारे के सारे बॉलीवुड के सारे कैरेक्टर्स ऐड किए हैं। सो ये गाते वक्त तो बहुत मज़ा आया, लेकिन आई थिंक ये जब शूट होगा गाना और जब ये रिलीज़ होगा जिस एक्ट्रेस पे होगा बहुत ही कमाल होने वाला है ऐसा मुझे लगता है। विल होप फॉर द बेस्ट फॉर द सॉन्ग। गाइए एक लाइन। ना मैं मुन्नी बाई ना मैं, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, ना मैं जलेबी बाई ना मैं रजिया बिल्लो रानी, देख मेरा स्टाइल हो जाए बबली पानी पानी। ऐसे ऑल कैरेक्टर्स वी हैव एडेड इन दिस सॉन्ग थैंक्स टू साहिल, क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल होता है सारे कैरेक्टर्स को एक माला में पिरोना और एक गाना बनाना। सो इट्स क्वाइट मज़ा आया, मतलब इट वॉज एक्साइटेड और आई विश कि ये अच्छा गाना शूट हो और अच्छा रिकॉर्ड अच्छा रिलीज भी हो। थैंक यू थैंक यू।